हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्लांट ग्रीन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा के पेड़ के बारे में। ये देखिए, इसे राजस्थान में हम ग्वार पाटा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा के पौधे को कैसे लगाया जाता है, इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, कैसे इसमें पानी दिया जाता है, कैसे इसकी डिजीज़ को दूर किया जाता है, और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसके बेनिफिट्स, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटे बेबी प्लांट एलोवेरा के, उसको शिफ्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एक एलोवेरा को एक पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे उसके लिए एक आइडियल पॉटिंग सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये एक छोटू सा एलोवेरा का बेबी प्लांट है। ये देखिए, ये कितना प्यारा है, छोटा सा। ये देखिए, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए। सो बेसिकली जो एलोवेरा है वो भूरी मिट्टी में उगता है। मैं आपको बताऊं, जिसे रेतीली मिट्टी कहा जाता है, राजस्थान में इसे बूढ़ा कहा जाता है। आप लोगों के अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें उस मिट्टी के नाम होगा। सो हम क्या करेंगे, इसका पॉटिंग सॉइल हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर आपके पास रेतीली मिट्टी है तो आप सीधे इसको उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी है जो टाइट है, नम है, तो उसको में आप कैसे लगाएंगे इसे, आप उसमें इसे लगाने का बहुत इजी वे है। आप लीजिए 60% आपके पास जो मिट्टी है वो, और 40% आप लीजिए सैंड, रिवर सैंड। अगर आपके पास रिवर सैंड भी नहीं है तो क्या करें, तो आप सिंपल सा काम कीजिए, 60% आप लीजिए जो आपके पास मिट्टी है वो, और 40% आप लीजिए कोकोपीट। कोकोपीट मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखेगी, कोकोपीट मिट्टी को भुरभुरा भी करेगी और सॉफ्ट करेगी, ताकि इसकी जो रूट बॉल है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो। तो इसको मिक्स करते हैं। सो ये मिट्टी हमारी बनके तैयार हो गई है। एलोवेरा को लगाने के लिए ज़्यादा हमें चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है, ये बहुत लो मेंटेनेंस का पौधा है, और बहुत जितना लो मेंटेनेंस है, जितना लो कॉस्ट बजट है, लो कॉस्टिंग है, उतना ही ये बेनिफिशियल भी है। हम बात करेंगे, चलिए अब इसको निकालते हैं। जब भी, याद रखिए, आप किसी भी पौधे को एक पॉट से दूसरे पॉट में जब शिफ्ट करें तो उससे एक दो दिन पहले उसमें पानी डालना बंद कर दीजिए, ताकि उसकी मिट्टी श्रिंक हो जाए और टूटे नहीं। मिट्टी श्रिंक हो जाएगी, ईजी टू रिमूव होगी, इससे क्या होगा कि रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होगा। इसे हम, ये देखिए, इसे हम ऐसे हाथ रखते हैं, पर से यूँ करते हैं उल्टा और दो बार टैप करते हैं। ये लीजिए, पूरा प्यारा सा हमारा छोटू एलोवेरा देखिए बाहर आ चुका है। अब हम इसके लिए पॉट लेते हैं प्यारा सा। ये देखिए, एक 4 इंच का पॉट है, मेड इन इंडिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पहले जो ड्रेन होल है इनको कवर करेंगे। बहुत इजी वे है, कोई ग्रेवल ब्रेवल की ज़रूरत नहीं है। टिश्यू पेपर लीजिए, अनफोल्ड कीजिए, उसको बीच में से इस तरीके से फाड़ लीजिए, टिश्यू पेपर इस पर बिछाइए और हल्के हाथों से इसको अंदर की साइड पुश कर दीजिए। बस हो गया। अब इस पर थोड़ी सी पहले मिट्टी डालिए, जो पॉटिंग सॉइल आपने प्रिपेयर की है वो डाल के इसके कोनों में प्रेस कर दीजिए, ताकि जो टिश्यू है वो सारे होल्स पे सेट हो जाए। ये लीजिए, ये हो गया। अब इसमें पॉटिंग सॉइल डालिए। अब समय है हमारे पौधे को रखने का, ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी और पॉटिंग सॉइल आ जाएगी।
हल्का सा बीच में खड्डा करते हैं। हमारे छोटू को रखते हैं बीच में। ये लीजिए दोस्तों, हमारा एलोवेरा रिपोर्ट हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें वाटरिंग कर तो दोस्तों याद रखिए, जब आप इसको पहली बार पानी दे तो इसको एकदम अच्छा से पानी दे, इतना पानी दे कि पानी नीचे से निकल जाए। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों देखिए पानी किस तरीके से जल्दी से ड्रेन हो गया है, नीचे पानी आ चुका है एकदम साफ। टिश्यू पेपर की हेल्प से कोई गंदगी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कि एलोवेरा के पौधे को कैसे प्लांटिंग किया जाता है। अब कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप इसे 2-3 घंटे की धूप में रखें, आपकी बालकनी में रख रहे हैं, जैसे आप 2-3 घंटे की धूप आ रही है, तो फिर आप इसको एक प्लास्टिक के पॉट में इजीली लगा सकते हैं। ये मेरा बालकनी में रखा जाएगा इसलिए प्लास्टिक के पॉट में है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2-3 घंटे की धूप में ही अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आपको इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए और वैसे जो इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है वो फुल डेज की होती है, आप इसको पूरे दिन की धूप दीजिए, इसके लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप एलोवेरा को पूरे दिन की धूप दे रहे हैं तो फिर आपको उसको सीमेंट के पॉट में या मिट्टी के पॉट में लगाएं तो बहुत बेटर होगा। ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और एक एलोवेरा से काफ़ी सारे एलोवेरा आ जाएंगे। अभी जो एलोवेरा मेरे छत पर लगा हुआ है उसमें से मैंने अराउंड 15 एलोवेराज को अलग किया है, उससे मुझे एक पौधे से 15 एलोवेरा मिले। सो हमें इसकी मिट्टी का पता चल गया, हमें इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट का पता चल गया। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो जैसा आप देख रहे हैं ये एक बड़ा एलोवेरा है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है और जो इसके बेनिफिट्स हैं, तो उनमें से पहले हम बेनिफिट की बात करते हैं। एलोवेरा शुगर के पेशेंट्स के लिए भी काम आता है, एलोवेरा रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, एलोवेरा स्किन के लिए भी अच्छा होता है, एलोवेरा हेल्थ की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, शुगर में कैसे काम आता है, शुगर पेशेंट इसका जूस पीते हैं तो उससे उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अब ये रूटिंग में क्या काम आता है, काफ़ी लोग इसे अपने बालों में लगाते हैं क्योंकि एलोवेरा के जो हार्मोन्स होते हैं वो रूटिंग हार्मोन होते हैं एक तरीके से। तो इसे जो इसके बीच का पिलपिला गूदा होता है, इसके आप जैसे यहाँ से खाल हटाएंगे, इसके अंदर से इसका ग्रीन और लाइट वाइटिश कलर का गूदा निकलेगा, तो उसे आप थोड़ी देर किसी चीज़ से हिलाइए और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। दूसरा ये प्लांटिंग में भी काम आता है, प्लांटिंग में कैसे, जैसे आप कोई कली लगा रहे हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी पेड़ की, जैसे ये गुलाब की कली है मैं आपको दिखाऊं, तो इसके अंदर हमने एलोवेरा के गूदे को जो इसका फ्लशी पार्ट होता है उसको यूज़ किया है, वो क्या काम करता है, वो रूटिंग हार्मोन का काम करता है। ठीक है, तो आप प्लांट्स की कटिंग लगाने में भी एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपके पिंपल्स वगैरह को हटाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, दूसरा आपकी स्किन को टाइट करेगा और ग्लोई बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें वाटरिंग की। तो आप जब एलोवेरा को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पत्तियाँ नहीं होती। आप देखें ये कांटे होते हैं और जिस पेड़ में पत्तियाँ नहीं होती केवल कांटे होते हैं उसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसकी पत्तियों से उतनी तेज़ी से पानी उड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे कम पानी दें। जब इसकी मिट्टी देखिए जैसे ऊपर से छूने पर एकदम सूखी है, चिपक नहीं रही, तो ये पानी की रिक्वायरमेंट है। अब हमें इसमें कितना पानी देना है, हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें,
अगर तेज गर्मी है तो हम इसको एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे सकते हैं। बारिश के सीज़न में तो हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं देना होता, क्योंकि बारिश का पानी सबसे बेस्ट होता है। सर्दियों में अगर आप इसमें हफ्तों में एक बार पानी दें तो इसका काम बहुत अच्छा है चलेगा। अब आपको मैं बताऊं, आपने काफ़ी एलोवेरा देखे होंगे जो ब्राउन होने स्टार्ट हो जाता है। उसके दो रीज़न होते हैं। पहला तो इसकी जो रूट बॉल है उसमें कीड़ों का लग जाना, उसके लिए आपको नीम की खली यूज़ करनी चाहिए। दूसरा, जो आपका एलोवेरा है इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं। इस वजह से ये भुरभुरी मिट्टी या फिर हम कहें रेता में लगा रहता है तो वहाँ पे पानी रुकता नहीं है, जल्दी सी ड्रेन हो जाता है। इस वजह से इसको वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है ताकि पानी रुके नहीं, ओवर वाटरिंग हो नहीं और तेज़ी से ड्रेन हो जाए। अगर आप इसको प्लास्टिक के गमले में लगा के फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत धीरे होगी, और अगर आप इसे मिट्टी या सीमेंट के गमले में लगा के ऊपर रखेंगे छत पे या बाहर जहाँ पे फुल डे की सनलाइट आती है तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।